प्रयागराज में सिविल लाइन स्थित धरना स्थल से सुभाष चौराहे तक अखिल भारतीय खटीक समाज ने पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय खटीक समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोनकर उर्फ कामू सोनकर ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी न होने पर इससे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होने की बात की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आज का प्रोटेस्ट, जैसा कि हम लोग को पता है, दो दिन पहले हमारे एक बैंक कर्मचारी बैंक ऑफ बड़ौदा की है, उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। सैयद सरावा शाखा में वो ब्रांच मैनेजर थी, उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। रीज़न पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमने मीडिया में भी पढ़ा है कि इसको एक पर्सनल एंगल दिया जा रहा है, बिना जानकारी के, बिना बेस के। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी मीडिया वालों से कि प्लीज़ इसको एक पर्सनल एंगल ना दे जब तक बातें क्लियर नहीं होती हैं। और हम बैंक वालों के लिए मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस लोगों से भी, कि हम बैंक वालों के लिए थोड़ा सा आप सेफ करें, सिक्योर करें। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ इंसिडेंट है, हमने कई इंसिडेंट बैंक वालों के साथ भी सुना है कि क्या होता है पास में, राह चलते लोगों के साथ कुछ भी होता है, एक्सीडेंट होता है, मर्डर्स होते हैं। प्लीज़ बैंक वालों के लिए सोसाइटी क्लियर सेफ करिए। अभी हमें ये चाहिए कि दीक्षा के साथ जो भी चीज़ हुई है, उसके जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी है, उनको पकड़ा जाए और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और ये जो एसिड केस नहीं होनी चाहिए, और एसिड वाला जो केस होता है, हम लोग आए दिन हर लड़की के साथ सुनते हैं, एसिड को अगर बैन हो चुका है तो बिन कहाँ से मिल रहा है लोगों को? प्रॉपर बैन होना चाहिए। बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सही बात है, हाँ, हमारे गवर्नमेंट का ये चल भी रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर क्यों हो रहा है कि ये बेटी जल रही है? अपनी बेटियों को लोग कैसे सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे? बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो कैसे नौकरी करेंगी, कैसे घर से बाहर निकलेंगी, कैसे आप सभी लोग ईमानदारी से? बेटियाँ सुरक्षित नहीं है योगी राज्य में? नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो बेटियों के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता और आज हम लोग रोड पे नहीं उतरते इस प्रोटेस्ट के लिए। तो आई रियली रिक्वेस्ट सरकार से भी, आप लोगों से भी, इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप बढ़ाएं और लोगों को तक ये मैसेज पहुंचे और इसके इस इंसिडेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो। हमारे जो है समाज के जो है महिला जो बैंक कर्मी थी जो है उनको जो है ऐसे अटैक हो गया है, जो है हमारा खटिक सोनकर समाज जो है इंसाफ चाहता है, नहीं तो जो है हम लोग जो है प्रदेश लेवल जो है धरना प्रदर्शन करेंगे जो है। किस तरह का आज आप लोगों ने कहां से कहां तक निकाला है? हम लोगों ने पत्थर गिरजा से उठा के जो है जुलूस को जो है हम लोगों ने सुभाष चौराहे तक जो है अपना जो है जुलूस ले आया है और योगी सरकार को जो हम लोग जो है ये दे रहे हैं एंटीमेंटम दे रहे हैं कि हम लोगों की बात को सुनी जाए, जो जो तत्काल कार्रवाई किया जाए और जो है क्रिमिनल जो है जो घूम रहे हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए।